लाखों लोग आज भी उसी स्तर पर अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मौसम की तरह बदलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है समुद्र की लहर के समान ना हो। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, अगर आज हमारे पास अच्छी हम रोटी खा रहे हैं, हमारा विश्वास अच्छा है, और कल हमारे पास रोटी की घटी हो जाती है, तो हमारा ये विश्वास नीचा नहीं होना चाहिए, नीवा नहीं होना चाहिए, उस जगह पर और बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर आज नहीं तो कल आप प्रोवाइड जरूर करेंगे। हालेलुया, मेरी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि आपका वचन, देखिए वचन पढ़ने वाला उनसे निकल जाता है, अपने विश्वास को बचा लेता, अपनी डेवडी को मजबूत करता, अपने अपने खेमे में बना रहता, अपने अपने दायरे में बना रहता, उसे वचन पता, वो क्या करता है, परमेश्वर से बात करना शुरू करता है। आत्मिक जब भी नीचे जाएगा, आत्मिक व्यक्ति के जीवन में जब भी कठिनाई आएगी, वो परमेश्वर से बात करेगा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे प्रतिदिन की रोटी देगा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरी जरूरतें पूरी करेगा, प्रभु तेरे वचन में लिखा कि अगर मैं भूखा भी रहूं, मैं जीवित रहूंगा, मरूंगा नहीं। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। एक विश्वासी, जो परिपक्व विश्वासी, ये परिपक्व विश्वासी की पहचान है कि उसका विश्वास कमजोर स्थिति में भी बराबर चलता रहता, कमजोरी में नहीं जाता, उस बात का ध्यान रखता, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा।